देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 1/3 द टेंजेंट ऑफ हाफ द सम ऑफ द एंगल्स, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट टू द एंगल्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए कि एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल है एबीसी, ऑब्वियसली ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा और ये एंगल सी होगा। ये इसकी साइड ए, ये बी, ये सी। अब बोला इफ द एंगल एबीसी इफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, टेंजेंट मतलब टेंजेंट वो वाला नहीं, ट्राइंगल के अंदर की, ए माइनस बी बाय टू। देखिए लिखा है ना, इफ द टेंजेंट ऑफ हाफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल इक्वल टू 1/3 द टेंजेंट ऑफ सम ऑफ टू एंगल, यानी ए प्लस बी बाय टू। ये क्वेश्चन बोला है। अब आपने अगर टेंजेंट लॉ पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा टेन ए माइनस बी बाय टू होता है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। साइड का रेशियो पूछा है, इन्होंने बोला ना रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल्स, उन्हीं साइड की अपोजिट एंगल का रेशियो, यानी आपसे एक तरह से ए बाय बी पूछा है। अब ये होता है इंटू कॉट सी बाय टू। अच्छा, क्योंकि ट्राइंगल बोला है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है पाई, तो ए प्लस बी को लिख सकते हो पाई माइनस सी, यानी टेन ए प्लस बी बाय टू को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, दिस इज कॉट सी बाय टू। तो अगर मैं इसको टेंजेंट लॉ से कर रहा होता तो मैं लिखता ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाय टू इक्वल टू 1/3 कॉट सी बाय टू। ये कैंसिल बेटा, थ्री का मल्टीप्लाई किया तो थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो टू ए इक्वल टू 4b या a अपॉन बी इक्वल टू 2:1, तो आंसर होगा 2:1। बस इसमें टेंजेंट बोला, डिफरेंस ऑफ एंगल इक्वल टू 1/3 सम ऑफ एंगल, ये बोला। टेंजेंट मतलब टेन से मतलब था।